पूरे विश्व में हमारा देश अमन चैन भाईचारे के साथ कौमी एकता का संदेश देने के लिए पहचाना जाता है। हम भारतवासी हर धर्म का बराबर दिल से आदर करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमेशा इसी तरह हमारा प्यार कायम रहे। उक्त विचार मुस्लिम वक्फ कमेटी द्वारा हज पर जाने वाले यात्रियों के स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए छोटी मस्जिद के मौलाना इनामुल हसन कादरी ने कहे, हाजियों का कमेटी व समाज के लोगों ने फूल माला व शॉल पहनाकर स्वागत किया। मुस्लिम वक्फ कमेटी द्वारा इस्लामिया स्कूल प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित कर इस वर्ष हज पर जाने वाले हज यात्रियों का स्वागत किया गया। इस्लामिया स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में सदर हाजी सलीम खान व शहर के प्रमुख लोगों की उपस्थिति में इनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर जामा मस्जिद, छोटी मस्जिद, मदीना मस्जिद, लुनियापुरा मस्जिद, आकरा भट्टा मस्जिद के मौलानाओं ने हज यात्रियों से आग्रह किया कि वे देश में अमन चैन खुशहाली की दुआ करें। इस अवसर पर हज यात्रा को जाने वाले शौकत अली नागौरी, बिस्मिल्ला बानो, गफ्फूर नागौरी, बिस्मिल्ला नागौरी, मोहम्मद शरीफ गुलशन बानो का माला व शॉल उड़ाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर मुस्लिम वक्फ कमेटी के संरक्षक कदीर कुरैशी, सदर हाजी सलीम खान, नायब सदर आजाद कायम खानी, गरीब मोहम्मद, हनीफ भाई सुल्तान, एडवोकेट अमान छिपा, एडवोकेट शोएब पठान, हाजी वाजिद अली, इमामुद्दीन मोयल सहित समाज के प्रमुख लोग उपस्थित थे।